ये तो पहले राजामौलि सर ने पूछवाया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और आप बोल रहे हो सेकंड पार्ट कब आएगा। पार्ट टू का जो फर्स्ट एपिसोड होगा वो इतना धमाकेदार होने वाला है दैट आई थिंक इट्स रियली गोना सेट द टोन। शान एंड शेली दे आर लाइक अ सीसॉ, उसके बीच जो फलक्रम है मुझे वो कावेरी लगती है। हमने बोला कि हम पूरा शो पहले एडिट करके लॉक कर देंगे और सील करके रख देंगे, कोई ऐसे हाथ नहीं लगाएगा, हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। और हमें लग रहा है कि वो खुद से बात कर रहे पर वो मेरे लिए बात कर रहे हैं। सो हाय, मैं हूँ शोभिता धोलेपाला। हाय, मैं हूँ डायरेक्टर संदीप मोदी। एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सरबीरन सिंह और सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। द नाइट मैनेजर का पार्ट टू अब फाइनली आने वाला है और द नाइट मैनेजर के डायरेक्टर संदीप मोदी एंड शोभिता आज हमारे साथ हैं। आप दोनों का वेलकम है फिल्मी बीट में। सबसे पहले तो जब पार्ट वन आया तो जिस तरीके से वो ख़त्म हुआ वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ती है कि अब आगे क्या देखने को मिलने वाला है। सो जिस तरीके से ऑडियंस ने इंतज़ार किया, कि आप लोगों ने भी इंतज़ार किया, कितने डीएम्स आए, कितने लोगों ने पूछा कि कब पार्ट टू आ रहा है और क्या कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। आपसे आई थिंक जब पहला पार्ट आया और एक्चुअली बहुत एंग्शियस डे था हमारे लिए। पहली बार इस कंट्री में हमने किसी OTT प्लेटफॉर्म पर हमने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया था कि हम एक शो को दो हिस्सों में बांटें, जैसे हम एक फिल्म को करते हैं, जैसे एक प्री इंटरवल पोस्ट इंटरवल करें, बस ये कि इंटरवल बड़ा है। तो सच कहूँ तो बहुत नर्वस थे हम। और पहला स्टेज ये था कि यहाँ ख़त्म क्यों हो गई कहानी, और तब वो सबसे ज़्यादा नर्वसनेस आती थी। पर जब वो उसके बाद अगला सवाल आता था कि अगला पार्ट कब आएगा, तब अंदर से वापस एक लहर उठती थी, एक उमंग आती थी कि ये शायद अब लोग उत्सुक भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस वहाँ पे एक ना, चेंज इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग, हर कोई उसे रिजेक्ट करता है सबसे पहले। हम चाहते हैं कि कोई चीज़ ना बदले, पर वो एक्सेप्टेंस जब सेकंड चीज़ का भी आया कि अच्छा चलो आप वेट करा रहे हो तो हम वेट कर लेंगे, पर कब आएगा, तो कब आएगा बिकेम द नेक्स्ट बिग थिंग। कई लोगों ने मुझे कहा कि ये तो पहले राजामौली सर ने पूछवाया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और आप बोल रहे हो सेकंड पार्ट कब आएगा। सो इट बिकेम अ बिग क्वेश्चन इन दैट वे। और जब आ गया है सेकंड पार्ट का रिलीज का डेट, सो नाउ पीपल आर लाइक अरे अब तो आ ही गया है, तो मतलब तैयार है, तो अब जल्दी दे दो। सो आई थिंक हमारे लिए ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के बीच की जर्नी बहुत ज़्यादा कहूँ तो एंक्शियस भी रही, एक्साइटिंग भी रही, बिकॉज एक प्यार था उसके साथ कि हम जो भी कर रहे हैं एक्सेप्टेंस आया है ऑडियंस की तरफ से, पर एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वी कांट बी लैक्स के हो गया पार्ट वन में इतना प्यार मिल गया, हमें पता है कि अब पार्ट टू है, नाम से ही लग रहा है कि दुगनी एक्सपेक्टेशन है, तो उसे पूरी करने के लिए हमने दिन रात लगाई है। आई होप यू गाइस लाइक इट। इट्स एक्चुअली व्हेन यू टेल अ स्टोरी इन टू चैप्टर्स ना कहीं नेचुरली प्लॉट ब्लॉसम्स इन द सेकेंड हाफ, एंड इन दिस केस आई थिंक आई वॉज क्वाइट क्यूरियस कि हाउ विल पीपल, हाउ इन्वेस्टेड विल दे बी, क्या इमोशनल पॉइंट्स उनको टच करेंगे फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि काफ़ी इंट्रोडक्टरी फील होता है। बट इफ़ यू लाइक्ड द फर्स्ट पार्ट यू विल लव द सेकेंड पार्ट, बिकॉज इसमें बहुत सारा ड्रामा है, इंटरपर्सनल डायनामिक्स, एक्शन, इट्स पैक्ड विथ सो मच मसाला दैट आई थिंक देर इज़ एन ऑडियंस इनसाइड मी विच इज़ एक्साइटेड टू वॉच इट। जब आपके कैरेक्टर की बात करें तो शुरू में नॉर्मल है, लेकिन बीच में एक पॉइंट में आके ऐसा लगना शुरू होता है कि कुछ बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो अभी तक रिवील नहीं हुई है और शायद होने वाली है, और जब ऐसा लगता है कि अब बस होने ही वाली है तभी पार्ट वन ख़त्म हो जाता है। सो पार्ट टू में क्या क्या देखने को मिलने वाला है, ऐसा लगता है कुछ बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो सामने आने वाली है आपके किरदार में। मुझे नॉर्मल तो कभी नहीं लगी कावेरी, शुरुआत हो गई। इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज इस मतलब कावेरी का जो रियलिटी है, इज शेली द रियलिटी, इज शान एन एस्पिरेशन, इज देयर कन्फ्यूजन, किस लॉयल्टी किस तरफ है, वॉट इज़ हर बैकग्राउंड, क्या सीक्रेट्स हैं इसके, बिकॉज यू क्लियरली सी दैट कुछ तो है जो हमें पता, मतलब बोल नहीं रहे हैं कि क्या है, बट यू नो देयर समथिंग मोर। सो ये सारे जवाब ऑब्वियसली पार्ट टू में मिलेंगे, एंड
आई एम ऑल्सो वेरी क्यूरियस बिकॉज पार्ट टू का जो फर्स्ट एपिसोड होगा वो इतना धमाकेदार होने वाला है दैट आई थिंक इट्स रियली गोना सेट द टोन. और मुझे ये लगता है कि इफ शान एंड शेली दे आर लाइक अ सी सॉ, उसके बीच जो फलक्रम है मुझे वो कावेरी लगती है. सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी दिस क्रेजी ट्राइंगल. आई गेस कि पूरा सीजन दोनों पार्ट्स एक साथ शूट हुए थे लेकिन जब पार्ट वन आया तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थी. तो कभी आपको ऐसा प्रेशर फील हुआ कि अभी कुछ चेंजेस करने चाहिए या फिर नहीं? बहुत ही एक नेचुरल फीलिंग थी कि आपको जब पहला पार्ट आएगा तो आपको लगता है कि एक मौका मिल सकता है आपको कोई भी तरफ बदलाव करने का. तो हमने पहले ही ना इस बदलाव के ऑप्शन को हमने काट दिया. हमने बोला कि हम पूरा शो पहले एडिट करके लॉक कर देंगे और सील करके रख देंगे, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा. ये भी हो सकता था कि शायद लोगों को ज़रा भी पसंद ना आया हो पहला पार्ट और हमें वापस अंदर से इनसिक्योरिटी आई होती कि हम वापस सब छेड़ें वापस सब खोलें. पर जब हमने पूरा शो देखा था हमें लग रहा था कि ये कहानी वही है जो हम बताना चाहते हैं, ये कहानी वही है जो हम सब ने हाँ कहा था सुन के कि हाँ ये कहानी में हमें एक कैरेक्टर प्ले करना है, हमें इसको परफॉर्म करना है. तो लगा कि ये अब हमें इस पर किसी के रिएक्शन से इस पर हिलना नहीं है, हमें अटल रहना है अपने इस उद्देश्य की तरफ. सो हमने बोला कि ये फिल्म के दो पार्ट्स की तरह है, फिल्म तो पूरी बनानी है, तो तैयार करके रखो, बस ऑडियंस को दो पार्ट्स में दिखाना है. अनिल सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज जितने वो सीरियस है काम को लेकर उतना उनका ह्यूमर भी काफ़ी फनी है. सो कुछ आप लोग इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे? इट्स अमेजिंग दैट मतलब वो इतने अकम्प्लिश्ड हैं, उनकी जो फिल्मोग्राफी है इतने सच अ वैरायटी ऑफ रोल्स इन हिज लॉन्ग करियर, फिर भी वो हर दिन जब सेट पे आते हैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वो होते थे. लाइक ही हैड अ बुक, ही हैड अ होमवर्क, हिज होमवर्क डन, मोस्ट पैशनेट अबाउट कॉन्स्टेंटली वॉन्टिंग टू लर्न, एंड दैट स्पिरिट इज़ ब्यूटिफुल टू सी स्पेशली इन सच अ सक्सेसफुल एक्टर कि उनको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है. सो एवरीथिंग ही डज फॉर हिज पैशन. That was amazing. I think Anil sir का नाम कहते ही हम लोग बोलते ही अभी ऐसे जुबान पे एक स्माइल आ जाती है, चेहरे पे स्माइल आ जाती है. मुझे लगता है कि अनिल सर की एक खासियत जो कहें कि वो ना वो बहुत परसेप्टिव है, वो उन्हें समझ में आ रहा है कि किसके साथ क्या हो रहा है. उनके जो एक्सपीरियंस हमें कहते हैं कि वो बैगेज नहीं लाते हैं कि इतना काम किया है, पर वो एक्सपीरियंस लाते हैं. और कई बार मैंने नोटिस किया है, और अचानक आप सवाल पूछ रहे थे और शोभिता आंसर दी थी, मैं कहीं खो गया था उस सोचते हुए. कई बार ऐसा होता है कि एक्टर ने माइक पहना है और ऐसे डायरेक्टर मैंने हेडफोन लगाए हुए हैं, आई कैन हियर क्या डायलॉग्स कह रहे हैं, पर भी शॉट लग रहा है, सेटअप हो रहा है, और मैं कहीं एक कोई प्रेशर में टेंशन में बैठ रहा हूँ, अचानक से अनिल सर की आवाज़ आएगी, हो जाएगा ये सब, हो जाएगा अच्छे से, हो जाएगा. और हमें लग रहा है कि वो खुद से बात कर रहे हैं पर वो मेरे लिए बात कर रहे हैं. सो और वो कहीं दूर से अपना डायलॉग कर रहे हैं, फिर अचानक एक बार मैं स्माइल करूंगा, वो देख के बोलेंगे हो जाएगा हो जाएगा. आई थिंक उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ही इज समबडी जो सिर्फ अपना पार्ट प्ले नहीं करते हैं, उनको उनकी तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उनको लग रहा है कि एक ऐसी टीम ने मुझे चुना है जो मेरे साथ काम कर रही है, तो उनको मैं साथ लेकर कैसे कहना कि फिनिश लाइन तक कैसे मैं उनके ले जाऊँ. So he cares a lot about the whole team and the experience. That's what I love about AK sir. बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करते हुए, लेकिन टाइम कम है तो हमें यहीं खत्म करना पड़ेगा. एट लास्ट आप लोग क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस? जून 30. I am super excited. It's going to be full on. I can't even say paisa vasool, but such an experience. I think for everyone who's liked part one, they should watch part one again, revise karke dekhna chahiye part two. Thank you so much and all the very best. Thank you. Thank you.